नमस्कार, मैं हूं तान्या कसौधन और आप देख रहे हैं TV24। फिरोजाबाद के थाना टुंडला क्षेत्र के गांव महमदाबाद में देर रात एक नशे के आदि कलयुगी बेटे ने अपनी मां को बेरहमी से पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया। दरअसल हत्यारोपी पुत्र राकेश की मां सुशीला देवी अपने बेटे से नशा करने के लिए मना करती थी। इस बात को लेकर परिवार में आए दिन झगड़ा होता था। वहीं कल रात नशे की हालत में हत्यारोपी पुत्र ने गुस्से में आकर उनकी जमकर पिटाई करते हुए सिर में डंडा मार दिया, जिससे उपचार के दौरान महिला की मौत हो गई। वहीं इस घटना के बाद हत्यारोपी अपने घर से फरार हो गया। घटना की जानकारी मिलते ही फिरोजाबाद पुलिस मौके पर पहुंची और घटना का मुआयना करते हुए तत्काल प्रभाव से आरोपी राकेश को गिरफ्तार करने के लिए 3 टीमों का गठन किया गया। साथ ही पुलिस इस बारे में बताते हुए कहती है कि जल्द ही हत्यारोपी की गिरफ्तारी कर ली जाएगी। सर, ये थाना फरिया क्षेत्र में अज्ञात शव प्राप्त हुआ है, क्या है पूरा मामला? देखिए, आज सुबह करीब 11:15 बजे ग्राम प्रधान मढ़ा ने थाना फरिया पर यह सूचना दी कि हाथवंग मुस्तफाबाद रोड पर सड़क के 100 मीटर अंदर नहर पटरी के पास एक बक्सा पड़ा हुआ है, जिसमें एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिला है। मौके पर जाकर देखा गया तो उस बक्से में एक कंकाल के रूप में एक व्यक्ति का शव पड़ा था, जिस पर एक नीले कलर का लोअर और एक कंबल प्राप्त हुआ है। उस शव के बाल छोटे छोटे हैं, जिससे यह किसी पुरुष व्यक्ति का प्रतीत होता है। मौके पर फील्ड यूनिट पहुंची थी, जहां से उन्होंने सैंपल लिए हैं और सैंपल को भिजवाया गया एनालिसिस के लिए। शव को मोर्चरी भिजवा दिया गया है पोस्टमार्टम के लिए। उसकी जल्द शिनाख्त करके आवश्यक विधि कार्रवाई की जाएगी। तमाम और बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV24।